सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। यदि आप मनुष्य की चेतना को गहराई से देखे तो पायंके की चेतना सदैव स्वतंत्रता की खोज करती है। दुनिया की सारी सभ्यताओं को आप देख ले या विभिन्न देशों के इतिहास को देख ले, विभिन्न विचारधाराओं को देखे, ओ और कुछ नहीं बस उनके स्वतंत्रता के खोज की ही अभिव्यक्ति है। चाहे वो धन संग्रह की हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो या सामाजिक स्वतंत्रता की बात हो, अंततः मानव चेतना के स्वतंत्रता की खोज की ही अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता के बारे में आपकी जो भी समझ है, आपकी चेतना उदार ही कार्यरत होना चाहती है। उपनिषद की वाणी है, एकोहम बहुश्याम, द्वैत से ही भय उत्पन्न होता है। उपनिषद की या भी वाणी है कि एक से अनेक होने का आनंद लू, तो अनेक होने का मूल कारण आनंद है और उसका आंतर आधार सह अस्तित्व एवं करुणा है। परमात्मा के एकमात्र निर्देश कानून है वाह है सह अस्तित्व एवं करुणा का बाकी सभी कानून मानव मन की समझ से बने है। करुणा एवं सह अस्तित्व ईश्वरीय नियम है। करुणा व स्निग्धा पदार्थ है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। स्वतंत्रता को समझे इसका देश और स्थान से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध तो अंतर्मन से है, जहां से आप जीवन के निर्णय लेते हैं। यदि आप मन की उस स्थिति में अवस्थित है जहां आपके हर निर्णय मित्र भाव आनंद एवं करुणा द्वारा निर्मित हो रहा है, तब आप सचमुच स्वतंत्र है। आर्या अवस्था आपसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे जो भी कर ले। आप स्वतंत्रता क्या है या समझ ले। जब हम किसी वस्तु या स्थिति से स्वतंत्र होना चाहता है दो या स्वतंत्रता का नकारात्मक प्रकार है, और जब किसी वस्तु या स्थिति के लिए स्वतंत्रता चाहते है तो वह के इसका सकारात्मक प्रकार दोनों की समझ एक साथ हो तभी स्वतंत्रता का अनुभव हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर की एक स्थिति है जब आप इन दोनों प्रकारों से भी स्वतंत्र हो पाते हैं तभी मिलती है स्वतंत्रता की असली स्थिति और पूर्ण तृप्ति। द्वेष और घृणा से स्वतंत्र हो पाना ही असली स्वतंत्रता है। मैं अपना अनुभव से बताता हूँ, स अस्तित्व पूर्ण करुणामय जीवन शैली जीने का सर्वोत्तम उपाय है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना के समय यही उपाय कारगर है। अपने अंतर मन के छुपे हुए कोनों से गुप्त द्वेष और घृणा को निकाल दे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में सारी चीजें सुंदरता एवं मंगलत्व के साथ घटित होने लगी है। यही जीवन मुक्त जीवन है। जीवन मुक्त जीवन को समझे जिए और प्रसारित करे। आप
सभी नित्यानंद नित्यानंद को प्राप्त हो, सबको आशीर्वाद।